कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इस स्टोरी में ना इन्होंने अपना नाम नहीं शेयर किया है, लेकिन सक्सेस स्टोरी जरूर शेयर की है और लव स्टोरी है यार, मैं पहले बता देती हूँ। चलो लव स्टोरी है। इन्होंने लिखा है, हाय दी, मैं आज अपनी लव स्टोरी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, प्लीज आप मेरा नाम मत मेंशन कीजिएगा। मेरा अफेयर था 6 साल का और वो खराब हो गया पिछले लॉकडाउन के बाद से, और पूरी तरीके से रिश्ता टूट गया। यहाँ तक कि मेरे पार्टनर की एंगेजमेंट भी हो गई किसी और के साथ में, और मेरे पार्टनर ने मुझसे बात करना पूरी तरह से बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि जब फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं तो इस चीज़ के पीछे इतनी बहस करके कोई मतलब नहीं है, और हम दोनों का रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो गया। प्रॉब्लम ये थी कि उनकी फैमिली वाले नहीं मान रहे थे, लेकिन मेरी फैमिली वाले मान चुके थे, इसलिए मेरे घर की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं था। उन्हीं की फैमिली रेडी नहीं थी। उसके बाद मैंने आपका बटरफ्लाई किट वाला वीडियो देखा और पता नहीं क्यों मेरे दिल में ये इच्छा हुई कि मुझे ये लेना चाहिए। मैंने वो लिया और उसके साथ में रिलेशनशिप जर्नल भी लिया और उसको मैंने फॉलो करना शुरू किया। पहली पूरी किट खत्म हो गई, कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी और मैंने दूसरी किट स्टार्ट कर दी। उनकी जो इंगेजमेंट हुई थी वो लॉकडाउन के पहले ही बातें चल रही थी, और लॉकडाउन के बीच में ही घर में ही उन लोगों ने एंगेजमेंट कर ली थी। और जब मैं दूसरी किट पर आई हूँ तब तक तो एंगेजमेंट को भी बहुत ज़्यादा महीने हो चुके थे और उन दोनों का रिलेशनशिप, बातचीत सब कुछ अच्छे से चल रही थी, लेकिन मेरे पार्टनर ने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था और कह दिया था कि इस रिश्ते को पूरी तरीके से ख़त्म ही समझो, तुम अपना कहीं और ध्यान लगाओ, अपने करियर के ऊपर फोकस करो और अपनी फैमिली में बोल दो कि हम दोनों की शादी नहीं हो सकती। लेकिन मैंने अपनी फैमिली में कुछ नहीं बोला, और जब दूसरी किट का रिलेशनशिप जर्नल मैं फॉलो करने लगी, उसमें जो पहला ट्रिगर आया आप यकीन नहीं करोगे, उसी दिन से जादू होना शुरू हो गया। मेरे बॉयफ्रेंड का मैसेज रात को आया और उसने मुझसे कहा कि मैं नहीं रह पा रहा हूँ, और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। शायद फैमिली में कुछ हुआ होगा, या घर में कुछ हुआ होगा, या उनकी पार्टनर के साथ कुछ हुआ होगा, मैंने ऐसा सोचा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसको मेरी याद आ रही थी, उसने मेरी सारी पुरानी फोटोज़ भेजी, हमारी सारे याद के टाइम को मेरे साथ में शेयर किया, और उस दिन हमने सुबह 7:30 बजे तक बात की। मैं वर्क फ्रॉम होम में हूँ तो मुझे 9 बजे से बैठना पड़ता है ऑफिस के काम के लिए, और उसके बाद में मैं ऑफिस के काम के लिए बैठी, मैं पूरी रात उससे बातें कर रही थी, और तब मुझे समझ में आया कि ये उससे शादी नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे मना कर दिया और उन्होंने अपने घर में भी मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे शादी मेरी किसी से भी ना हो, लेकिन अगर तुमसे नहीं हुई तो मैं शादी ही नहीं करूँगा। और उसी बीच में मैंने आपका वो वाला वीडियो भी देखा था जिसमें आपने ये कहा था कि पार्टनर को फिर रुकना चाहिए, और मेरा पार्टनर रुक गया। अब कंडीशन ऐसी है कि मैं आपकी 5th बटरफ्लाई किट में, ओह आपका तो 4th ही ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, नहीं 5th बटरफ्लाई किट पर हूँ, और कंडीशन ऐसी है कि उनके फादर और बड़े भैया कन्विंस हो गए हैं, और थोड़ा सा मदर और सिस्टर का ही प्रॉब्लम है, लेकिन मैं उनको लव वाइब्रेशन भेज रही हूँ, और मुझे पता है, पता नहीं, पूरा विश्वास लग रहा है कि ये जर्नल्स ख़त्म होते होते तक उनकी मम्मी और बहन भी मान जाएंगे। उनके बड़े भैया मुझसे बात करने लगे हैं और उनके फादर ने भी एक दिन मुझसे बात की है। वहाँ से उन्होंने एंगेजमेंट सच बोल करके तोड़ दी है, और उन्होंने कह दिया है कि वो उनसे इसलिए शादी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो किसी और से प्यार करते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने दूसरी लड़की का दिल नहीं दुखाया है, और अच्छे से प्यार से उनकी फैमिली को ये वाली बात समझा दी है कि आपकी बेटी फिर मेरे साथ खुश नहीं रह सकेगी, ऐसे लड़के से उसकी शादी कीजिए जो उससे प्यार करे। मैं आपकी बेटी से प्यार नहीं करता हूँ,
पेरेंट्स के प्रेशर में मैं शादी कर रहा था। आई एम रियली वेरी सॉरी। ये पूरा का पूरा टेक्स्ट उन्होंने मुझे भेजा है, जिसका स्क्रीनशॉट भी मैंने आपको भेजा है। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इतना आसान हो जाएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स, इतना आसान कर दिया है आपने। बटरफ्लाई किट को भी मैं थैंक यू बोलती हूँ, और आपने उसे बनाया है इसलिए मैं आपको भी थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, थैंक यू थैंक यू। चलो जल्दी से शादी वाली न्यूज़ दे देना हमें, हम भी बड़े खुश हो जाएंगे। देखिए बटरफ्लाई किट्स आप सबको पता ही है, आप सब लोगों ने यूज़ भी की है, और आप सब लोगों की ढेरों सक्सेस स्टोरीज भी मेरे पास में आती हैं। उसमें क्या होता है, ट्रिगर्स जो होते हैं ना, वो बूस्टर का काम करते हैं आप लोगों के लिए। आप थोड़े तो पॉजिटिव होने की ट्राई करते हो, और जैसे ही ट्रिगर आता है तो आपका वो जो होता है सातवें आसमान पर पहुंच जाता है, पॉजिटिव रहने वाला जो मेथड होता है। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर हर कि चलो ठीक है, अच्छा हो गया। और उस लड़के की भी मैं दाद दूंगी कि उसने सच बोला, और सच बोल करके एक लड़की को भी हर्ट ना हो और चीज़ें खराब ना हो ऐसे किया। अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसी चीज़ को, वेरी नाइस। आपके पार्टनर सच मुझ में बहुत अच्छे हैं, और आप दोनों का प्यार हमेशा बना रहे। अपना अपना रखे ख्याल, अपने से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।